हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुज। वेलकम टू एजुकेशन प्लग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ बिहार पुलिस मंदिर से सिपाही के 689 पदों पर जो वैकेंसी है उसके लिए प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, यूनिक पब्लिकेशन का यह प्रैक्टिस सेट है और 1 से लेकर 14 तक मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 15वां प्रैक्टिस सेट। तो बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वह है। सो फ्रेंड्स, आंसर बी होगा, बुध ग्रह। फ्रेंड्स, बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, उस शहर का देशांतर क्या है जहाँ का स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है। सो फ्रेंड्स, आंसर होगा 30 डिग्री पूर्व। ऑप्शन ए में भी 30 डिग्री पूर्व है और ऑप्शन डी में भी 30 डिग्री पूर्व है। ऑप्शन यही होगा, 30 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है। सो फ्रेंड्स, आंसर डी होगा, सिंदरी। सिंदरी में इस्पात प्लांट नहीं है। सिंदरी झारखंड में है जबकि भिलाई छत्तीसगढ़ में है, पारादीप उड़ीसा में और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, गारो जनजाति है किस राज्य की। सो फ्रेंड्स, 4 का आंसर होगा सी, मेघालय की। मेघालय में खासी, गारो और जयंतिया जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। सो फ्रेंड्स, आंसर होगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई थी। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा दिया था। सो फ्रेंड्स, आंसर होगा ए, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत की बुलबुल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर बी होगा, सरोजनी नायडू को। 8 नंबर क्वेश्चन है, पेसमेकर संबंधित है। सो फ्रेंड्स, पेसमेकर हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति थे। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर डी होगा, WC बनर्जी। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा महमूद गजनी, सुल्तान महमूद ने। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की द्वितीय राजभाषा है। सो फ्रेंड्स, आंसर ए होगा, उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर सी होगा, राज्यपाल ने। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर करते हैं, पार्लियामेंट होगा आंसर। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। सो फ्रेंड्स, 15 का आंसर सी होगा, 33। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत है एक क्या। सो फ्रेंड्स, आंसर ए होगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। सो फ्रेंड्स, 17 का आंसर बी होगा, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं। सो फ्रेंड्स, आंसर डी होगा, लोकसभा के। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं। सो फ्रेंड्स, आंसर सी होगा, पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज लागू किया गया। सो फ्रेंड्स, आंसर डी होगा, 1959 में। फ्रेंड्स, सबसे पहले पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले में लागू किया गया। फ्रेंड्स, पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992-93 से संबंधित है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, उपचुनाव कराया जाता है। सो फ्रेंड्स, आंसर डी होगा, कभी भी। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर सी होगा, पशुपति की। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा, बौद्धों का। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ। सो फ्रेंड्स, आंसर सी होगा, 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 को। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं
फ्रांस, रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना। इसका एक ट्रिक है, फारू एबीसी, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड बिहार से अलग हुआ कब? सो फ्रेंड्स 25 का आंसर सी होगा, 15 नवंबर 2000 को। 26 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी? सो फ्रेंड्स आंसर भी होगा 1761 में। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी? आंसर सी होगा, पाटलिपुत्र। 28 नंबर क्वेश्चन है, राजतरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया वह है? सो फ्रेंड्स आंसर डी होगा, कश्मीर। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी कब? सो फ्रेंड्स आंसर बी होगा, 1526 में। 30 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु स्थित है? सो फ्रेंड्स नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है, अशोक महान पुत्र थे किसके? तो अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। 32 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आंसर सी होगा, एडम स्मिथ को। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है? सो फ्रेंड्स आंसर बी होगा, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री, और वहीं पे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में करेंसी नोट पेपर मिल है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है? सो फ्रेंड्स 34 का आंसर होगा डी, आबकारी कर से। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, नाबार्ड नाम है? सो फ्रेंड्स 35 का आंसर सी होगा, कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का। फ्रेंड्स नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सो फ्रेंड्स आंसर डी होगा, कर्नाटक। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है किससे? आंसर सी होगा, मृत्यु दर से। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है, 8 मार्च को मनाया जाता है? 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, TRP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है, डी। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा समुद्भिदीय उद्भिद है? सो फ्रेंड्स 41 का आंसर होगा बी, हिबिस्कस। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? सो फ्रेंड्स आंसर ए होगा, आर्किड्स। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है? सो फ्रेंड्स 43 का आंसर ए होगा, न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंतः परजीवी जीव है? सो फ्रेंड्स 44 का आंसर सी होगा, फीता कृमि। नेक्स्ट न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? सो फ्रेंड्स 45 का आंसर सी होगा, मोआ। 46 नंबर क्वेश्चन है, प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है? सो फ्रेंड्स 46 का आंसर सी होगा, सेल भित्ति। 47 नंबर क्वेश्चन है, मानव के कायिक कोशिका के गुणसूत्र होते हैं? सो फ्रेंड्स 47 का आंसर सी होगा, 46। 48 नंबर क्वेश्चन है, किस जीव में कसाव फ्लैजेलम पाया जाता है? सो फ्रेंड्स 48 का आंसर सी होगा, पैरामीशियम में। 49 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जीव मृत पोषित पोषण ग्रहण करता है? सो फ्रेंड्स 49 का आंसर ए होगा, म्यूकर। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे सूर्य प्रकाश का कितना उपयोग करते हैं? सो फ्रेंड्स 50 का आंसर सी होगा, 0.22%। नेक्स्ट परमाणु विद्युत आवेशित होते हैं? सो फ्रेंड्स आंसर डी होगा, उदासीन। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अक्रिया तत्वों की बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सो फ्रेंड्स आंसर ए होगा, 8। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी?
सो फ्रेंड्स 53 का आंसर बी होगा। रोएंटेगन ने एक्स किरणों की खोज 1895 में की थी। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की थी। सो फ्रेंड्स 54 का आंसर होगा सी, रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है। सो फ्रेंड्स 55 का आंसर बी होगा, 8। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोरीन का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सो फ्रेंड्स 56 का आंसर ए होगा, 27। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है, क्षारक धातु कौन सा है। सो फ्रेंड्स 57 का आंसर ए होगा, लिथियम। 58 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी किसने तैयार की थी। सो फ्रेंड्स 58 का आंसर डी होगा, मेंडलीव ने। फ्रेंड्स मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी तैयार किया था वह द्रव्यमान पे आधारित था, जबकि मोस्ले ने जो आवर्त सारणी तैयार किया वह परमाणु संख्या पर आधारित था। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन है, शून्य वर्ग के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। सो फ्रेंड्स 59 का आंसर बी होगा, अक्रिय गैस। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन है, किसमें आयनिक बंध बनता है। सो फ्रेंड्स 60 का आंसर ए होगा, KCl। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सदिश नहीं है। सो फ्रेंड्स 61 का आंसर डी होगा, आयतन सदिश राशि नहीं है। 62 नंबर क्वेश्चन है, बल को प्राप्त करने के लिए किन किन परिमाण को गुणा करना होगा। सो फ्रेंड्स बल का फॉर्मूला होता है F=ma मास इंटू एक्सेलरेशन। सो फ्रेंड्स 62 का आंसर बी होगा, द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग 5 सेकेंड में 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड तक बढ़ाने के लिए कितना बल लगाना होगा। सो फ्रेंड्स 63 का आंसर सी होगा, 8 न्यूटन। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के द्रव्यमान को किसने पहली बार मापा था। सो फ्रेंड्स आंसर सी होगा, कैवेंडिश ने। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वीय स्थिरांक जी का इकाई क्या है। सो फ्रेंड्स 65 का आंसर होगा ए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन है, तरंग धैर्य का कौन सा प्रतीक है। सो फ्रेंड्स 66 का आंसर बी होगा, लैम्डा। 67 नंबर क्वेश्चन है, एक पट्टी 60 हर्ज आवृत्ति से कंपन करती है, इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T=1/f, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 60 है तो 1/60 होगा आंसर सी। 68 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी इकाई कार्य से संबंधित नहीं है। सो फ्रेंड्स 68 का आंसर बी होगा, जूल पर सेकेंड। 69 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक 60 वाट वाले 6 विद्युत बल्बों को 10 घंटे तक जलाया जाता है, इससे कितनी ऊर्जा शक्ति खर्च होगी। सो फ्रेंड्स 69 का आंसर ए होगा, 3 यूनिट। फ्रेंड्स एनर्जी कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है PT/1000, जहाँ पे पी होता है पावर यूनिट इन वॉट और टी हो गया टाइम अपन 1000। तो पावर यूनिट इन वॉट हो गया 16 × 5 कितना, 300 × 10/1000, तो 3 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है, आज तक पृथ्वी पर वायुमंडल का कितना उच्चतम तापमान मापा गया है। सो फ्रेंड्स 70 का आंसर बी होगा, 56.6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट अब मैथ का जितना भी क्वेश्चन रहेगा मैं उसका डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, बगल में सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट 71 का आंसर सी होगा, 56.44। 72 का आंसर होगा सी, 0। नेक्स्ट 73 का आंसर सी होगा, 40। 74 का आंसर बी, 34। 75 का आंसर होगा, 75 का आंसर ए होगा, 5।
नेक्स्ट 76 का आंसर सी होगा, 540 रुपया। नेक्स्ट 77 का आंसर ए होगा, 96.5%। नेक्स्ट 78 का आंसर, 78 का आंसर डी होगा, 7100 रुपया। नेक्स्ट 79 का आंसर होगा ए, 288 रुपया। और 80 का आंसर होगा डी, 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सो फ्रेंड्स 81 का आंसर डी होगा, अमेंडमेंट, इसका स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो 82 का आंसर ए होगा, बेनेवोलेंट, इसमें इसका स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इग्नोरेंस का एंटोनिम बताना है, आंसर बी होगा, नॉलेज। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द डैश चूजन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफिस इज इन द हार्ट ऑफ द लोकेलिटी। सो फ्रेंड्स 84 का आंसर बी होगा, साइट। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। इट इज़ नोन टू ऑल दैट कंपनी इज़ एक्सेप्शनली क्लियर अबाउट इट्स पॉलिसीज रिगार्डिंग द वेलफेयर्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो इसमें कहाँ पे गलती है, तो आंसर सी होगा, वेलफेयर्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। यहाँ पे वेलफेयर्स नहीं होके वेलफेयर होना चाहिए। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो एंगुइश का सिनोनिम बताना है। एंगुइश का मतलब होता है दर्द या पीड़ा, तो एच का मतलब भी दर्द या पीड़ा ही होता है, ऑप्शन ए होगा सही। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डोमिनेंट का एंटोनिम बताना है। तो डोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, प्रधान। एंटोनिम इसका होगा सबमिसिव, जिसका अर्थ होता है अधीन, दबू या विनीत, बी। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फास्ट फूड डैश मच एनर्जी टू डाइजेस्ट लीविंग ए पर्सन अनफिट आफ्टर इट्स कंजप्शन। सो फ्रेंड्स 88 का आंसर सी होगा, फास्ट फूड नीड्स। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। मोस्ट ऑफ द एडल्ट डू नॉट नो हाउ टू डील विथ स्ट्रेस इवन दो दे वॉन्ट्स टू टीच देयर चिल्ड्रेन अबाउट इट। सो फ्रेंड्स 89 का आंसर सी होगा, वॉन्ट्स टू टीच देयर चिल्ड्रेन। यहाँ पे सिर्फ वॉन्ट होगा, वॉन्ट टू टीच देयर चिल्ड्रेन। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फॉर डैश पीपुल द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग लिव्ड ए ड्रीम इज मोर देन जस्ट ए फीलिंग। सो फ्रेंड्स 90 का आंसर ए होगा, फॉर मैनी पीपल। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उस बालक को पीटते देखकर मेरा हृदय पिघल गया। सो फ्रेंड्स 91 का आंसर ए होगा, द्रवित हो गया। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आयु लंबी हो। सो फ्रेंड्स आंसर बी होगा, दीर्घायु। 93 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए नीचे लिखी हुई। सो फ्रेंड्स आंसर सी होगा, निम्नलिखित। 94 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। केशव का पर्यायवाची क्या होगा, गोपाल। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तोता डैश में उड़ रहा है। सो फ्रेंड्स 95 का आंसर ए होगा, आकाश। 96 नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आंसर होगा सी, दुस्वप्न। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें सही वर्तनी वाला शब्द सी है, दीर्घ श्वास।
नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ए होगा, अप्रसन्न होना। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सो फ्रेंड्स इसमें त्रुटि है बी, सबसे पुरानी। सबसे पुरानी नहीं होके सबसे पुराना होना चाहिए। 100 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तुम्हें रोटी खानी है डैश चावल खाने हैं। सो फ्रेंड्स 100 का आंसर सी होगा, या चावल खाने हैं। सो फ्रेंड्स ये था आज के इस वीडियो का डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगा हो डिसलाइक कीजिएगा, और डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।